अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। सो हेलो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ट्रेंडिंग व्हाट्सएप स्टेटस अपने फोटो का बनाना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको दर्शो कि एही प्लेयर एप्लीकेशन के, अगर आपके पास ये वाला एप्लीकेशन नहीं है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पे इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद दोस्तों आपको दर्शो कि मेरे इस टेम्पलेट की, तो टेम्पलेट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप टेम्पलेट को डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों जैसे आप टेम्पलेट को डाउनलोड कर लोगे, वो टेम्पलेट आपके एवी प्लेयर में ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसके कुछ बेसिक सेटिंग करने होंगे, तो उसके लिए दोस्तों आपको आ जाना है इसके पेंसिल वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आने के दोस्तों आपको आ जाना है यहाँ पे फ्रेम वाली इमेज में, ठीक है, इमेज की और इमेज का जो फ्रेम लिखा है उस वाली इमेज में आपको आ जाना है। फिर यहाँ पे इसकी जनरल में जाना है और इसका विजिबल आपको ऑन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको आ जाना है यहाँ पे जो इमेज में जीएफ लिखा है ब्लर इफेक्ट के नीचे वाली इमेज, वहाँ पे आपको आ जाना है। फिर आपको आ जाना है इसके जनरल में, फिर यहाँ पे इसके ब्लेंड मोड में आपको जाना है और यहाँ पर आपको अल्फा सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे के पार्टिकल्स में आ जाना है और इसका जनरल में आपको विजिबल ऑन कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है बार के नीचे वाली इमेज में, और यहाँ पे आपको इसको जनरल में जाके, इसकी पोजीशन में जाके, नीचे की जो लाइन है वो लाइन आपको 400 तक आगे खींच लेनी है। उसके बाद दोस्तों उसके नीचे वाली इमेज पे आपको आ जाना है, फिर इसके जनरल में जाना है, फिर यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है तो आपको यहाँ पे मिलेगा स्केल का ऑप्शन, तो यहाँ पे स्केल के ऑप्शन पे चले जाना है। फिर यहाँ पे नीचे की जो लाइन है वो लाइन आपको 850 तक आगे ले लेनी है। एंड देन दोस्तों यहाँ पर हमें अपनी फोटो ऐड करनी है, तो फोटो ऐड करने के लिए सबसे पहले वाली इमेज पे आपको आ जाना है। उसके बाद दोस्तों आप इसके चले जाना है इसके इमेज में, फिर यहाँ पे जाना है इसके कस्टमाइज इमेज में, फिर यहाँ पे आपको आ जाना है पिक इमेज में। और पिक इमेज में जाने के बाद दोस्तों आपको जिस भी फोटो का आपको स्टेटस बनाना है वो वाले फोटो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों फोटो लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे फोटो दिखाई नहीं दे रही है, उसके लिए दोस्तों आपको फ्रेम वाले ऑप्शन पे, फ्रेम वाले इमेज पे आ जाना है। फिर यहाँ पे आपको इसके कलर की पे चले जाना है और यहाँ पे कलर की एनेबल के सामने जो बॉक्स है वहाँ पे आपको टिक कर लेनी है। और उसके बाद दोस्तों उसे नीचे वाली जो बॉक्स है उस वहाँ से टिक आपको हटा देनी है। और उसके बाद दोस्तों कलर की के बॉक्स में जो व्हाइट कलर है वहाँ पर आपको ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लोगे यहाँ पे हमारी फ्रेम ऐड हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से पेंसिल वाले ऑप्शन पे आना है, फिर यहाँ पे योर इमेज पे आपको चले जाना है, फिर जाना है इसके जनरल में, फिर यहाँ पे इसकी पोजीशन में, और यहाँ पे पोजीशन में ऊपर की जो लाइन है वो लाइन आपको 250 तक आगे खींच लेनी है। तो यहाँ पर आपकी फोटो है यहाँ पर आ जाएगी। अगर फोटो सही से नहीं आई थी तो पोजीशन से आप यहाँ से सही कर सकते हैं। और दोस्तों बड़े फोटो को बढ़िया छोटी करनी है तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आपको स्केल का ऑप्शन मिलेगा, या स्केल के ऑप्शन से आप फोटो को छोटी बड़ी भी आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जिस भी गाने का स्टेटस बनाना है वो गाना आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पर चले जाना है, फिर यहाँ पे 1280 और 720 आपको ले लेना है। और उसके बाद दोस्तों जितनी भी सेकंड का आपको स्टेटस बना है उतनी सेकंड सेलेक्ट करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। और दोस्तों जैसे वीडियो को एक्सपोर्ट कर लोगे ये वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।